टूडे, और यहां पे अगर हायर पेयर है तो वो माइनस एच, माइनस एच का मतलब है कि हमारे पास कितने हायर पेयर हैं। ओके तो कितने हायर पेयर हैं वो हमें देखना पड़ेगा। ओके ठीक है, सो नंबर ऑफ लिंक्स कितने हैं, 1 2 3। ओके थ्री माइनस वन, टू माइनस टू इंटू जे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जे, फाइंड आउट ज्वाइंट, कौन से बायरिंग ज्वाइंट्स, कितने हैं ज्वाइंट्स। यहां पे जो मैं ज्वाइंट्स की बात करता हूं ना, वो पिन ज्वाइंट ही होते हैं, ठीक है, वो कॉन्टैक्ट है। ओके तो ज्वाइंट जो फिक्स होता है, मतलब जो मूव कर सके, रोटेट कर सके, सो पिन ज्वाइंट की बात कर रहा हूं मैं। तो कितने ज्वाइंट है पिन ज्वाइंट, दो। हायर पेयर, ये हायर पेयर है एक, तो एक, सो थ्री टू द सिक्स माइनस फोर माइनस वन मीन्स वन, सो डिग्री ऑफ फ्रीडम इज वन। सो दिस इज द केस व्हेन वी हैव थ्री लिंक्स ऑल टुगेदर, ओके, बट द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ थ्री लिंक्स चेन इज वन, ठीक है। सो दिस इज द एग्जाम्पल, ओके, इन विच देयर इज थ्री लिंक्स एंड दीज आर नॉट वर्किंग एज अ फ्रेम, दीज आर वर्किंग एज अ चेन, बट कंडीशन क्या है, उनके अंदर एक हायर पेयर होना चाहिए। ओके अनदर एग्जाम्पल दैट वी हैव, इफ वी टेक इंस्टेड ऑफ थ्री लिंक्स, इफ वी टेक फोर लिंक्स टूगेदर, ओके, नाउ हाउ इट लुक लाइक, फोर लिंक्स मीन्स वी हैव फिक्स लिंक, यू नीड टू फाइंड आउट द क्रैंक, एंड हियर व्हाट वी हैव रोलर, ओके, रोलर, रोलर हैविंग अ लाइन कॉन्टैक्ट और पॉइंट कॉन्टैक्ट विद द फिक्स लिंक ऑफ द सर्फेस, तो ये क्या हुआ, हायर पेयर हो गया, बट काउंट नंबर ऑफ लिंक्स, एक लिंक, दूसरा लिंक, तीसरा लिंक और ये रोलर, क्योंकि रोलर इस पॉइंट के बाद रोटेट कर रहा है, चौथा लिंक। ओके नाउ अप्लाई द डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर्मूला, थ्री एल माइनस वन माइनस टू जे माइनस एच। ओके नाउ नंबर ऑफ लिंक्स आर फोर, फोर माइनस वन थ्री, थ्री थ्री नाइन माइनस टू, नंबर ऑफ ज्वाइंट्स वन टू थ्री, दिस इज अ हायर पेयर। ओके पिन ज्वाइंट ओवर हियर, एक पिन ज्वाइंट, दो पिन ज्वाइंट, तीन पिन ज्वाइंट, सो थ्री टू द सिक्स माइनस थ्री, ओके माइनस नंबर ऑफ हायर पेयर कितनी है, एक, सो कितना आ गया, टू, सो डिग्री ऑफ फ्रीडम इज टू। ओके वी नीड टू डिग्री ऑफ फ्रीडम, टू इनपुट, ओके, इन ऑर्डर टू कंट्रोल द आउटपुट मोशन। नाउ विल टॉक अबाउट द इन्वर्जन ऑफ अ मैकेनिज्म। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट टॉपिक, इन्वर्जन ऑफ अ मैकेनिज्म। नाउ व्हाट डज इट मीन बाय इन्वर्जन, इन्वर्जन का मतलब क्या है, अभी तक हमने क्या किया कि एक लिंक देख लिया और एलिमेंट, एंड आफ्टरवर्ड व्हाट वी हैव सीन, पेयर, किनामेटिक पेयर, किनामेटिक चेन, बाइनरी ज्वाइंट्स, टर्नरी क्वार्टरनरी ज्वाइंट्स, डिग्री ऑफ फ्रीडम, फॉर्मूला फॉर द डिग्री ऑफ फ्रीडम, ओके, कंडीशन फॉर द डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर द किनामेटिक चेन, ओके, बट नाउ वी हैव इन्वर्जन ऑफ अ किनामेटिक। अब वो कहना चाहते हैं कि अगर मेरे पास चार लिंक हैं जिसका चेन बन रहा है, जो मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म कैसे बनता है, जब हम एक लिंक को फिक्स कर देते हैं, ओके, हमने एक लिंक फिक्स कर दिया, मैकेनिज्म हो गया, पर ऐसा तो नहीं होगा कि मैं हर बार इसी लिंक को फिक्स करूंगा, है ना, देयर आर थ्री मोर लिंक्स इन द डायग्राम, आई कैन फिक्स दिस लिंक ऑल्सो, है ना, अगर मैं इसकी जगह इस लिंक को फिक्स कर देता हूं तो मेरे पास जो इनपुट है वो मैं या इसको दूंगा या इसको दूंगा या इसको दूंगा, आउटपुट मुझे ये देगा या ये देगा, क्योंकि ये तो फिक्स हो गया। सिमिलरली इफ वी फिक्स दिस लिंक, अगर मैं इस लिंक को फिक्स कर देता हूं तो तीनों में से किसी को इनपुट होगी, तीनों में से कोई आउटपुट देगा। सिमिलरली अगर मैं इसको फिक्स कर देता हूं तो इनपुट इन तीनों में से होगी और आउटपुट भी इन तीनों में से किसी को होगी।
यानी यहां पे मुझे एक चीज क्लियर होगी कि अगर मेरे पास फोर पार्ट चेन है उसके जितने लिंक्स हैं यानी नंबर ऑफ लिंक्स आर फोर, तो मेरे पास चार टाइप के मैकेनिज्म मिल सकते हैं मुझे। वो कैसे मिलेंगे? बारी बारी में सबको फिक्स कर दूंगा। सो इन्वर्जन इज एग्जैक्टली दिस इज व्हाट इज इन्वर्जन ऑफ अ मैकेनिज्म। Inversion of a mechanism means fixing each link in turn, bari bari, in the given mechanism. Okay? Jo mechanism diya hua hai, uske andar har link ko bari bari fix karunga in order to get the different kind of mechanism. Mujhe alag alag type ke mechanism mil jayenge, usko bolte hain inversion of a mechanism. Theek hai? Ab hamare paas jo kinematic chain hai, wo kai type ki hai kinematic chain. So, sabse pehli hai, फोर बार चेन। ये वो चेन्स हैं जिनकी मुझे इन्वर्जन फाइंड आउट करनी है, फोर बार चेन। सेकंड क्या है? अब फोर बार चेन ये चेन है, इसके अंदर सभी टर्निंग पेयर है, ये भी इसके अबाउट टर्न कर रहा है, ये भी इसके अबाउट टर्न कर रहा है, ये भी आपस में एक दूसरे के अबाउट टर्न कर रहे हैं, ये भी इसके अबाउट टर्न कर रहा है। सो चार के चार टर्निंग पेयर है, उसको बोलते हैं फोर बार चेन। ओके, सेकंड है सिंगल स्लाइडर फोर बार, सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन, सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन। अब क्या होगा? इसके अंदर एक स्लाइडर आ जाता है, एक लिंक हट जाएगा, उसकी जगह मैं स्लाइडर लगा दूंगा। ओके, थर्ड इज व्हाट? डबल स्लाइडर क्रैंक चेन। अब इसके अंदर क्या होगा? पहले मैंने एक स्लाइडर लगा दिया, एक और लिंक निकलेगा तो दो स्लाइडर हो जाएंगे, यानी दो टर्निंग पेयर हो जाएंगे, दो स्लाइडिंग पेयर हो जाएंगे इसके अंदर। ओके, गिव मी वन सेकंड। Okay, so we'll start with the first one. Four bar chain. This is the first of the inverter. हमने एक link fix कर लिया है, इसको input दी, ये पूरा rotate हुआ, इसने इसको force लगाई, motion दिया, ये आगे इसको दे रहा हूं, ये वाला point जो है वो ऐसे ऐसे move करेगा। Okay, consider. Now, second inversion of four bar chain is it is beam engine or crank and lever mechanism. इसको बोलते हैं beam engine. और crank घूमने वाला पार्ट, lever जो oscillate करता है, crank and lever मैकेनिज्म। ओके, अब इसको ड्रॉ करते हैं, इसको हटा देते हैं और इसको ड्रॉ करते हैं, ये ड्राइंग। अब इसके अंदर क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने एक लिंक ले लिया है, ओके, कैप दिस लिंक एज अ फिक्स लिंक, और ये मैंने एक चेन ले ली है, सॉरी क्रैंक ले ली है। ये क्रैंक क्या करेगी? यहां पे फुल रोटेशन करेगी, और यहां पे मैंने एक फिक्स के साथ ये भी जोड़ दिया है, यहां पे मेरे पास एक लीवर टाइप का हो जाएगा जो इसके अबाउट ऑसिलेट करेगा, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे, ये पार्ट इधर आ जाएगा, फिर ऊपर हो जाएगा, है ना।
लेकिन होगा कैसे, जब मैं इस लिंक को इससे जोड़ दूंगा क्रैंक से, ठीक है। ये बन गया बीम इंजन, ये बीम का काम भी करता है इसलिए इसको बीम इंजन बोल दिया। ये लीवर भी लगता है तो इसलिए इसको लीवर वाला बोल दिया। ये लिंक नंबर वन है, ये भी इसके साथ फिक्स है, ये भी लिंक नंबर वन हुआ। ये लिंक नंबर टू क्रैंक फुट रोटेशन दे दिया, ये लिंक नंबर थ्री और ये लिंक नंबर फोर है ना। अगर मैं यहां तक देखूं तो ये एक चेन बन गई है ना। मैं उसका पार्ट एक्सटेंड भी कर सकता हूं, अगर मुझे कुछ आउटपुट लेना है तो मैं उसका पार्ट एक्सटेंड भी कर सकता हूं। लेकिन ऐसे अकेला घूम रहे तो कुछ काम बन नहीं रहा है ना, वी आर नॉट गेटिंग आउटपुट फ्रॉम दिस है ना। तो मैंने क्या किया भाई, यहां पे एक लिंक लगा दिया, उसके साथ एक पिस्टन लगा दिया और उस पिस्टन को मैंने रख दिया एक सिलेंडर के अंदर, सिलेंडर पीस के साथ मैंने फिक्स कर दिया। अब इमेजिन करके देखो अब क्या हो रहा है, व्हेन दिस क्रैंक रोटेट, जब ये क्रैंक रोटेट करेगी किसी भी डायरेक्शन में, चलिए मान लेते हैं ऐसे करते है ना, जब ये क्रैंक रोटेट करेगी ऐसे ले लिया, ये ऊपर हो गया इसने इसको पुश किया तो ये वाला पार्ट ऊपर जाएगा, ऐसे मोशन होगा। अगर ये उस तरफ जाएगा तो ये वाला पार्ट इस तरफ आएगा, अगर ये नीचे आएगा तो पिस्टन नीचे जाएगा, तो यहां पे कंप्रेशन होगा, ठीक है, कंप्रेशन होगा, एक्सटेंशन होगा, कंप्रेशन होगा, एक्सटेंशन होगा। ओके, इज इट क्लियर? हो क्या रहा है फिर इसमें, इसमें हो रहा है कि रोटरी मोशन इज कन्वर्टेड इंटू रेसिप्रोकेटरी मोशन। हमने रोटरी मोशन को रेसिप्रोकेटरी मोशन में कन्वर्ट किया है, ठीक है, किसकी हेल्प से, फोर बार चेन की हेल्प से। दिस इज सेकेंड ऑफ द इन्वर्जन। देखिए आउटपुट मिल गई ना मुझे, अगर पहले फोर बार चेन में क्या था आउटपुट, एक ऑसिलेशन हो रही थी सिर्फ, अब मैंने उसके साथ उस ऑसिलेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई किया, एक लिंक लगा दिया तो वो रेसिप्रोकेटिंग में कन्वर्ट हो गया। ओके, नाउ थर्ड, थर्ड इन्वर्जन इज व्हाट वी हैव, कपलिंग रोड ऑफ लोकोमोटिव। कपलिंग रोड ऑफ लोकोमोटिव, कपलिंग रोड ऑफ लोकोमोटिव या डबल क्रैंक मैकेनिज्म भी बोलते हैं इसको, और वी कॉल्ड डबल क्रैंक मैकेनिज्म। अब इसका नाम डबल क्रैंक से अगर हम देखें तो यानी इसके अंदर दो क्रैंक होगी, ठीक है, दो क्रैंक का मतलब है कि मेरे पास एक फिक्स लिंक है और एक क्रैंक ये है, तो मैं दूसरी भी क्रैंक ले लेता हूं। अगर ये क्रैंक है, ये क्रैंक, इसका काम क्या है, रोटेट करना, तो इन दोनों को जोड़ने वाला भी मैं एक और कपलर लिंक ले लेता हूं, है ना। तो ये पैरेललोग्राम टाइप का मैकेनिज्म बन जाएगा जिसके अंदर इनपुट लिंक और आउटपुट लिंक है वो दोनों का साइज सेम होगा। ओके, ये भी क्रैंक है, ये भी क्रैंक है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डबल क्रैंक। तो अगर ये इस तरफ रोटेट करेगी तो ये इसको पुश करेगा और ये इसको पुश करेगा, तो ये भी सेम रोटेशन करेगा। ओके, सेम डायरेक्शन में करेगा, सेम एंगल पे करेगा। होप दिस इज क्लियर। ओके, सो कंसीडर दिस एज लिंक नंबर वन टू थ्री। So, लिंक नंबर टू इज द इनपुट लिंक, लिंक नंबर थ्री इज द कपलर लिंक, लिंक नंबर फोर इज द आउटपुट लिंक। अब ये मैकेनिज्म आपने कहां पे देखा होगा, ये है जो रेलगाड़ी के जो व्हील होते हैं वो आपस में इस मैकेनिज्म से कनेक्टेड होते हैं। एक को इनपुट मिलती है वो फटाफट दूसरे को दे देता है, दूसरा भी रोटेट करता है। ओके, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड द कपलिंग रोड ऑफ अ लोकोमोटिव। लोकोमोटिव होता है जो इंजन वगैरह चलते हैं, ओके, गाड़ी वगैरह होती है उनके व्हील में ये यूज किया। So this was the third inversion. Okay. Now come to the fourth inversion, which is a what indicator. ठीक है, क्या है what indicator? Indicator का मतलब है, अगर ये नाम दे दिया है बीच में indicator, तो इसका नाम, इसका मतलब बहुत clear है कि ये कुछ indicate कर रहा है ना, किसी चीज को ये बताएगा। तो ऐसा है कि what indicator?
वॉट्स इंडिकेटर। इसमें क्या है कि हम एक ऐसा लिंक लेंगे, ये एक ही लिंक है, ये पिस्टन लगा दिया जिसको एक सिलेंडर में रख दिया, ये पिस्टन है, ओके। ये कुछ ऐसी डायग्राम है, ये वाला जो वाई वाला लिंक है ये सेम है, एक ही है साथ, ओके फिक्स लिंक है, इसको मैंने नंबर वन दे दिया है, चलिए ये नंबर टू हो गया है, ये नंबर थ्री हो गया है, ये नंबर फोर हो गया है, ये साथ, ओके चार लिंक आ गए हैं, ओके। तो होगा क्या, इसके अंदर जब यहां पे प्रेशर, ये पिस्टन सिलेंडर है ठीक है, इग्निशन होगा, यहां पर गैसेज बनेंगी, गैसेस जब प्रेशर लगाएंगी तो ये पिस्टन को ऊपर की तरफ पुश करेगी, और इसके अंदर कितना प्रेशर है वो मुझे मालूम पड़ेगा, यहां पे प्रेशर स्केल लगा देंगे, तभी इसको बोलते हैं व्हाट इंडिकेटर, वो यहां पे कुछ हमें इंडिकेट करेगा, और ये वाला लिंक इसके अबाउट ऐसे मूव करेगा, कुछ देर तक स्ट्रेट लाइन है लेकिन उसके बाद ये ऐसे गोल गोल घूम जाएगा। सो जो इसकी वर्किंग है ना वो अप टू सर्टेन लिमिट है, यहां जहां तक वो स्ट्रेट लाइन फॉलो करेगा, ओके उसके बाद वो रिजल्ट गलत दिखाएगा। सो एक छोटी वैल्यू, प्रेशर की एक छोटी वैल्यू मालूम करने के लिए वी कैन यूज दिस टाइप ऑफ द व्हाट इंडिकेटर। इसके अंदर क्या हो रहा है, जो रेसिप्रोकेटरी मोशन है वो एक लीनियर मोशन में कन्वर्ट हो रहा है, ये लीनियर फॉलो करेगा, एक स्केल को फॉलो करेगा, ओके स्ट्रेट लाइन यहां पर, लेकिन उसके बाद ये घूम जाएगा, ओके। सो दिस इज व्हाट वी हैव, व्हाट इंडिकेटर। सो दीज आर द फोर इन्वर्जन ऑफ फोर बार चेन, ओके। नाउ द सेकेंड इन्वर्जन, ओके मैं एक चीज बताना भूल गया हूं, एक है हमारे पास ग्रैशोव क्राइटेरिया, ग्रैशोव का एक क्राइटेरिया है जो इन मैकेनिज्म पे लगता है, ठीक है, कि जो मैकेनिज्म की लेंथ है वो हम खुद से नहीं ले सकते, वो क्राइटेरिया क्या कहता है, ग्रैशोव क्राइटेरिया, लॉ भी बोल देते हैं इसको, वो कहता है कि किसी भी लिंक में अगर मैं फोर बार चेन बना रहा हूं, ठीक है, एक दो तीन चार, किसी भी फोर बार चेन में जो लिंक है सबसे बड़ा, इनमें से सबसे बड़ा लिंक होगा लार्जर लिंक प्लस जो सबसे छोटा लिंक होगा स्मॉलेस्ट लिंक, उनकी लेंथ का समेशन should be less than equal to length of summation of length of other two links, ठीक है, बाकी जो दो links बच गए हैं उनकी length को जमा कीजिए, उससे छोटे होंगे या उसके बराबर होंगे, कौन, जो सबसे बड़े link की length है plus जो सबसे छोटी link की length है उनका summation, या तो छोटा होगा वो या उसके बराबर होगा तभी वो मैकेनिज्म काम करेगा, अदरवाइज वो मैकेनिज्म काम नहीं करेगा, ओके थोड़ा सा दिमाग लगा लेना इसमें, ओके। सो नाउ इन्वर्जन ऑफ अ सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, ओके सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म हमें मालूम है, अब इसके अंदर क्या है कि तीन टर्निंग पेयर आ जाएंगे और एक स्लाइडिंग पेयर आ जाएगा, वेरी क्लियर। सो सबसे पहला जो इन्वर्जन होगा वो होगा पेंडुलम पंप, इसकी डायग्राम जनरली मैं बना दूं, तो मेरे पास एक सिलेंडर है, एक पिस्टन है, ठीक है, अब देखिए एक लिंक दो लिंक, ठीक है, तो मेरे पास एक स्लाइडर आ गया, तो एक वाला ये जो पेयर बन गया है स्लाइडर का सिलेंडर के साथ, ये है स्लाइडिंग पेयर, स्लाइडिंग पेयर, पिस्टन का इस लिंक के साथ, देखिए ये पिन ज्वाइंट होगा, ये हो गया टर्निंग पेयर,
इन दोनों का भी टर्निंग पेयर, इन दोनों का भी टर्निंग पेयर. ओके, सो दीज आर द टर्निंग पेयर. एक स्लाइडिंग पेयर है और तीन टर्निंग पेयर हो जाएंगे हमारे पास इस डायग्राम में. ओके, तो सबसे पहले है हमारे पास पेंडुलम पंप. इसको थोड़ा समझना है हमें. वी नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. पेंडुलम पंप, इसके अंदर सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं कि एक लिंक ले लिया है. ओके, उसके बाद मैंने ध्यान से देखा एक क्रैंक ले लिया. ओके, उसके बाद मैंने एक लिंक लिया, उसके साथ पिस्टन अटैच कर दिया. अभी मैंने ये तीनों स्ट्रेट लाइन में ले लिए. ये जॉइंट है, यानी ये वाला लिंक अलग है. ओके, इस पिस्टन को मैंने रख दिया है ये सिलेंडर. ओके, ये मेरे पास पिस्टन है. ठीक है, इस पॉइंट को मैंने कर दिया फिक्स और इसको भी किसी ने फिक्स कर दिया. चलिए, ठीक है. अब ये पॉइंट है फिक्स, ये है क्रैंक लिंक नंबर टू, ये है लिंक नंबर थ्री और ये है लिंक नंबर फोर और ये लिंक नंबर वन, ये भी लिंक नंबर वन. दोनों फिक्स है. क्रैंक है, ये फिक्स है. ठीक है, यहां से फिक्स है, यहां से फिक्स नहीं है. ओके, दिस इज द सेंटर ऑफ द क्रैंक. मान लीजिए क्रैंक ऐसे रोटेट कर रही है. ठीक है, अब क्रैंक और ये वाला लिंक नंबर थ्री बोथ आर कनेक्टेड एट दिस पॉइंट. वो यहां पे कनेक्ट है, तो जैसे ही क्रैंक रोटेट करेगी इस तरफ तो क्रैंक यहां पे आ जाएगी. मान लेते हैं, है ना, क्रैंक में तो एक सर्कल बनाना है, तो क्रैंक यहां पे आ गई है. तो अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम दिस लिंक शुड बी ओवर हियर, है ना, ये लिंक यहां पे आना चाहिए. अगर क्रैंक का सेंटर वही रहता है ये लिंक यहां पे आ ही नहीं सकता, क्योंकि ये रिजिड लिंक है, ये अपने आप को लंबा तो कर ही नहीं सकता. इट कैन नॉट एलोंगेट इटसेल्फ, है ना. ओके, नाउ होगा क्या, ये लिंक इसके साथ कनेक्ट रहेगा, बिल्कुल रहेगा, बट इसका जो सेंटर है वो ऊपर की तरफ हो जाएगा क्योंकि ये मूवेबल है. अगर ये सेंटर ऊपर की तरफ मूव करेगा तो ये पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करेगा. समझ गए, ठीक है. नेक्स्ट डायग्राम मैं बना रहा हूं, उसके अंदर क्या है कि ये लिंक यहां पे पहुंच गया है और क्रैंक यहीं पे है, ऊपर उठ गई है और पिस्टन भी ऊपर उठ गया है.